खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। ये खबर का रुख करते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है, 3 महीने की अग्रिम फीस नहीं ले सकेंगे स्कूल, फीस के कारण किसी छात्र का नहीं काटा जाएगा नाम, सभी विद्यार्थियों को अगली क्लास में किया जाएगा क्रमोन्नत, 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को छोड़कर शेष कक्षाओं के लिए ये नियम लागू होगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार अभिभावक परेशान हो रहे थे और ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक भी पहुंची कि प्राइवेट स्कूल वो 3 महीने की अग्रिम फीस ले रहे हैं, अब इसके लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, एक बड़ा फैसला, इसे यकीनन लाखों की संख्या में अभिभावक होंगे जिनको फायदा होना है, लेकिन यहां ये भी जानना चाहेंगे कि जो 3 महीने की अग्रिम फीस नहीं लेने की निर्देश यहां दिए गए हैं वो बाद में ली जाएगी, वो किस तरीके से, इसको लेकर भी कोई गाइडलाइन जारी की? विजन देखिए, अभी तक जो फैसला हुआ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यही है कि जिनको हम कहते हैं कि छुट्टियों का समय रहता है 3 महीने की जो फीस ली जाती है उसके लिए साफ तौर पर मना कर दिया है कि जो अग्रिम फीस है वो नहीं ली जाएगी। लेकिन अभी ये बात स्पष्ट नहीं है कि क्या ये जो 3 महीने की फीस है वो आगे जो है वो कहीं जोड़ी जाएगी, ली जाएगी, या बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ये फीस देनी ही नहीं पड़ेगी, इसके बारे में अभी स्थिति साफ होनी है। लेकिन फिलहाल ये है कि चूंकि देखिए कई स्कूलों में सत्र शुरू हो जाते हैं और अभिभावकों के पास में स्कूल के यहाँ से मैसेज भी आ रहे थे कि ऑनलाइन फीस जमा करानी है, ये बात जो है वो शिक्षा मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंची। उन्होंने आज समीक्षा बैठक की और इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि कोई भी जो स्कूल है 3 महीने की जो लॉकडाउन का जो काल रहेगा उस दौरान जो है वो फीस नहीं लेंगे। और साथ में एक और बड़ा फैसला कि कोई भी स्कूल जो है किसी भी बच्चे का नाम स्कूल से सिर्फ इसलिए नहीं काटेगा कि उसने फीस जमा नहीं कराई है। अच्छा नरेश, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर ये पॉसिबल हो कि ये पता चल पाए, ये जो 3 महीने की फीस है ये मार्च अप्रैल मई है या फिर अप्रैल मई जून है? देखिए अप्रैल मई जून जो है उसकी ये फीस होती है और इस कारण से और जुलाई से जो नया सेशन शुरू होता है ये माना जाता है, तो ये जो 3 महीने होते हैं उनमें ये फीस नहीं ली जाएगी। और इसके अलावा एक और जो अहम फैसला, 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की जो परीक्षा उनको छोड़ के तमाम क्लास की जो स्टूडेंट जहाँ भी पढ़ रहे हैं उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, उनकी परीक्षा नहीं होगी। क्योंकि कई स्कूल ऐसे थे जहाँ परीक्षा हो चुकी थी, कुछ स्कूल ऐसे थे जहाँ परीक्षा नहीं हुई थी, ऐसे में अब एक साफ फैसला कर दिया है कि 10वीं और 12वीं को छोड़ के बाकी जो बच्चे हैं किसी क्लास में हैं उनको अब अगली क्लास में माना जाएगा। जी बिल्कुल नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 3 महीने की अग्रिम फीस अब स्कूल नहीं ले पाएंगे, यानी कि अप्रैल मई और जून इन 3 महीने की फीस अगर कोई स्कूल आपसे मांगता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को अगली क्लास के लिए भी प्रमोट कर दिया जाएगा सिर्फ 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर। ये नियम हर कक्षा हर क्लास पर लागू होगा, हर स्कूल पर लागू होगा। और फर्स्ट इंडिया की खबर का एक बड़ा असर होता हुआ, क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने 3 दिन पहले ही ये बताया था कि अभिभावक किस तरीके से परेशान है, वो शिकायत कर रहे हैं कि ऑनलाइन उनसे फीस जमा कराने के लिए बोला जा रहा है।